हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे आपके चैप्टर जो फोर्थ है द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता की स्टोरी चल रही थी और अमृता की स्टोरी के बारे में वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को राहुल सर करवा रहे थे। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो है आप क्लास फोर्थ के लिए। टूडेज ईबीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास फोर्थ के लिए है। आज की वीडियो में जो आपके चैप्टर फोर है आपकी ईबीएस की बुक का द स्टोरी ऑफ अमृता, उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को चैप्टर रीडिंग करवाएंगे। तो अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा या फिर अपने मोबाइल में प्ले स्टोर जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करके उसमें ईबीएस सेलेक्ट कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक पे क्लिक कीजिएगा, देन अपनी एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास फोर्थ पे क्लिक कीजिएगा, देन अपनी बुक सेलेक्ट कीजिएगा एनवायरमेंटल स्टडी, उस पर क्लिक कीजिएगा, देन आपको चैप्टर की लिस्ट आएगी उस पर चैप्टर फोर पे क्लिक करके द स्टोरी ऑफ अमृता पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर वो चैप्टर ओपन हो जाएगा, वहां से राहुल सर पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कुछ वर्ड मीनिंग्स जो नई नई आती है मैं आप लोगों को साथ के साथ लिखवा रहूंगा। ठीक है, और ईबीएस का जो वीडियो है राहुल सर का वो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और नीट एंड क्लीन होमवर्क जरूर करें। ठीक है, पहले अपनी क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे, देन होमवर्क की कॉपी में आप लोगों को करना है और अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर या अपने गार्जियन से उनको चेक करवा लेना है। यदि कोई मिस्टेक होती है तो वो आपको बता देंगे। फिर भी यदि आपके डाउटफुल है तो यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर फोर द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता की स्टोरी पर चलते हैं। ठीक है, 20 तक वर्ड मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 20 हेयर्ड HEARD हेयर्ड तक मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग करवा चुका हूं। और भी यदि मुझे वर्ड मीनिंग यदि याद आती है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो एक वर्ड मीनिंग जरूर मुझे याद आ रही है, आपने सुना होगा सर्वाइव। ठीक है, आपने कभी सुना होगा सर्वाइव। ठीक है, सर्वाइव के बारे में सुना होगा, यानी कि संघर्ष करना, जीवित रहना भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 21 पे आप लिख लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे मेरे को याद आएगा मैं आप लोगों को लिखवाता रहूंगा। ठीक है, सर्वाइव, ठीक है, SUR वैन वाला VVIVE। ठीक है, इसमें लिखिएगा सर्वाइव, सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है आप लोगों के जीवित रहना या जीना। ठीक है, जीवित रहना, इसमें हो जाएगा जीवित रहना। ठीक है, तो जो भी वर्ड मीनिंग मेरे को याद आएंगी, जैसे जैसे मेरे को चैप्टर पढ़ता जाऊंगा, मेरी नजर में जो जो आएंगी मैं आप लोगों को हैंड टू हैंड आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, प्लीज कॉपरेट विद मी, राहुल सर के साथ कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, और घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और साइंस को पढ़ते रहिए। ठीक है, एक वर्ड मीनिंग जरूर है एनकरेज। ठीक है, आपने सुना होगा एनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना या हिम्मत बढ़ाना। ठीक है, लिखीजिएगा आप 22 वर्ड मीनिंग पर एनकरेज, EN, ठीक है, COU, क्या लिखा, ENCOURAGE, एनकरेज। ठीक है, इस पर लिखीजिएगा एनकरेज, क्या लिखा, एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना, सहारा देना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सहारा, सहारा देना, क्या लिखा, सहारा देना, या और भी लिखना चाहेंगे तो हिम्मत बढ़ाना, ही आदम है पूरा में ते, हिम्मत, हिम्मत बढ़ाना। ठीक है, क्या लिखवाया राहुल सर ने, सहारा देना या हिम्मत बढ़ाना। तो यहां तक तो राहुल सर ने आप लोगों को करवा दिया, अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। मेरे को कुछ याद आएगा नया तो मैं आप लोगों को बरवा दूंगा। द स्टोरी ऑफ अमृता, पहले आप लोगों को बता देता हूं, ये स्टोरी एक जोधपुर जिले के, जैसे हमारे राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, हमारे राजस्थान स्टेट में, राजस्थान राज्य में, राजस्थान जो हमारा स्टेट है उसमें 33 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट और बना दिए गए हैं, तो उनमें भी जोधपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर उस डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है जिसका नाम है खेजडली। क्या नाम है, खेजडली। और 300 साल पहले की एक बात है, कितने साल पहले की, 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले की बात है, उस गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था अमृता। बहुत एनकरेज वाली लड़की थी वो, और लोगों को मतलब सरवाइव करने वाली और लोगों को एनकरेज करने वाली, उनका हौसला बढ़ाने वाली लड़की थी वो। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं तो देख लीजिएगा, चलते हैं चैप्टर फोर। अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन NCERT ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें चैप्टर फोर निकाल लीजिए या बुक है तो बहुत अच्छी बात है, द स्टोरी ऑफ अमृता।
मैं चैप्टर का जो फर्स्ट पेज खुला हुआ है मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ। दिस इज ए ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये एक बहुत वास्तविक स्टोरी है। ट्रू स्टोरी मतलब वास्तविक स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, सत्य की स्टोरी है, बहुत साल पहले की बात है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, लगभग 300 वर्ष पहले, 300 साल पहले की बात कर रहे हैं। इन अ विलेज कॉल्ड खेजड़ली, एक गांव का नाम था खेजड़ली, ठीक है, खेजड़ली एक गांव का नाम था, लिव्ड अमृता, उसमें अमृता नाम की लड़की रहा करती थी। खेजड़ली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजड़ली जो गांव है वो जोधपुर के पास में है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज, इस गांव का नाम खेजड़ली इसलिए मिला क्योंकि इस गांव में ज्यादातर खेजड़ी वृक्ष पाए जाते थे, लोग बाग उनकी पूजा किया करते थे, उनको उगाया करते थे। इस गांव का नाम खेजड़ली इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव में खेजड़ी नाम के जो वृक्ष थे वो बहुत ज्यादा थे, लोग बाग उनकी पूजा किया करते थे, उनको प्यार किया करते थे, उन वृक्षों को अपने जीवन का अंग समझा करते थे। जैसे आपके मम्मी पापा आप लोगों को अपना जीवन का आधार समझते हैं, ऐसे ही वहां के गाँव के लोग, और ज्यादातर वहां पर बिश्नोई समाज के लोग रहा करते थे। कौन से समाज के लोग? बिश्नोई समाज के लोग रहा करते थे, वो इन वृक्षों से बहुत प्यार करते थे। द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस लोग के जो, इस गांव के जो लोग हैं, टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, भाई साहब इतना केयर करते थे जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं ना, जैसे आपके माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ऐसे ही इस गांव के लोग खेजड़ी के वृक्षों की देखभाल किया करते थे। ट्रीज एंड एनिमल्स, जानवरों की भी देखभाल किया करते थे। गॉड्स, जैसे कौन कौन सी गॉड्स? बकरियां, ठीक है, हेयर्स, खरगोश है, पिकॉक, मोर है, ठीक है, बैल भी होते हैं, ठीक है। रोम्ड फियरलेसली देयर, मतलब बिना किसी डर के, मतलब रोम्ड यानी कि घूमते रहते। मैंने यहाँ पर रोम का लिखवा दिया था आप लोगों को, पहले आप लोगों को लिखवा चुका था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रोम, रोम का मतलब घुमक्कड़ या घूमने वाले। और एक लिख लीजिए फियरलेसली, FEARLESS, ठीक है, क्या लिखा? फियरलेस, ठीक है, फियरलेस के बाद लिखिए ली, LY, तो यहाँ पर राउसर ने लिखवाया FEARLESS, फियरलेसली, 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 फियरलेसली का मतलब होता है बिना डर के, बिना डर कर, बिना डर के या बिना डर कर, कुछ भी लिख लीजिए। तो इस गांव के जानवर फियरलेसली बिना डर के इधर उधर घुमा करते थे, जैसे बकरियां, ठीक है, हेयर्स, पिकॉक। द पीपल ऑफ द विलेज, इस गांव के जो लोग थे वो याद करा करते थे, रिमेम्बर डेट, उन्हें याद था, क्या याद था? देयर एल्डर्स यूज टू टेल एम, उनके बड़े बूढ़े, जैसे हमारे दादाजी हमें बताया करते थे, आपके दादाजी आपके पापा को सिखाया करते थे, आपके पापा अब आपको सिखाते हैं, तो हमारे जो परदादा थे या हमारे बड़े बूढ़े हमें सिखाया करते थे। दे यूज टू से, वे कहा करते थे, दे यूज टू, अब देखिए यहाँ पर यूज टू लगा है यानी कि कहा करते थे, अगर अगर पर है, अगर पर है तो हम है, अगर प्र है तो हम है, मतलब वो कहा करते थे, अगर PERH पर है तो हम है, यानी कि अगर प्लांट और जानवर है, एनिमल्स हैं तो हम है, मतलब एक देसी भाषा का श्लोक लिखा हुआ है, अगर प्रे है तो हम है, अगर प्रे है तो हम है, यानी कि जानवर है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस, प्लांट और एनिमल जो है वो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम, लेकिन हम नहीं कर सकते, प्लांट हमारे बिना रह सकते हैं और आपके पशु पक्षी भी आपके बिना रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते सर्वाइव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाइए सेकेंड पेज पर, अमृता के फ्रेंड के बारे में बताया गया है इसमें। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, अमृता जो है वो सुबह जल्दी जगा करती थी, ठीक है, एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज, और उसके जो दोस्त थे वो भी जल्दी जगा करते थे और पेड़ पौधों के साथ काफी मस्तियां किया करते थे, ठीक है। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री, उसने एक स्पेशल, इसने एक महत्व वाले पेड़ को चुना, चूज अ स्पेशल ट्री, एक स्पेशल ट्री को चुना फॉर द डे, एक दिन के लिए, ठीक है। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, ठीक है, मतलब अमृता क्या करती थी, सुबह जल्दी जगा करती थी, ठीक है।
सुबह जल्दी जागा करने से क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या है उनकी पूजा भी करते थे, ठीक है। और आप लिखिए यहाँ पर बिस पर एक स्पेलिंग आती है नई, ठीक है, देख लीजिए कि नई नई स्पेलिंग आ रही है, ठीक है। 24 पर लिखिएगा विस्पर, WHISPER, क्या लिखा, विस्पर, ठीक है, विस्पर, WHISPER, विस्पर। विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, क्या होता है, धीरे धीरे बोलना, ठीक है, क्या है, धीरे धीरे बोलना, यानी कि कानाफूसी करना, जैसे आप लोग नहीं करते क्या एक दूसरे की कान में ऐसे ही कानाफूसी करना, तो भैया अमृता भी किया करती थी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, पेड़ पौधों के जो ट्रंक थे उनमें विस्पर किया करती थी, फ्रेंडों के साथ खेला करती थी, यू आर स्ट्रांग, एंड वो अपने दोस्तों से कहती थी यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, तो यानी कि उसके जो दोस्त थे वही पेड़ पौधे थे कि तुम मजबूत हो, बहुत सुंदर हो, यू केयर फॉर अस, ठीक है, आप लोगों की देखभाल हम लोग करेंगे, थैंक यू ट्री, धन्यवाद देती है वो पेड़ पौधों को, आई लव यू वेरी मच मैं आप लोगों को, यानी कि अमृता कह रही है पेड़ पौधों से, ठीक है, हम लोग नहीं कह रहे, अमृता कह रही है पेड़ पौधों से, आई लव यू वेरी मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, गिव यू स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, आप में जो बल है, आप में जो साहस है, ऐसे ही साहस आप मेरे को दोगे क्या, लाइक अमृता, अमृता की जैसे ही द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड, दूसरे बच्चे भी उनकी जो स्पेशल ट्री है उनको बहुत माना करते थे, उनके साथ खेला करते थे, उनकी छाया में बैठा करते थे, ठीक है। पेज नंबर 3 पे आ जाइए, ट्रीज इन डेंजर, अब देखिए पेड़ पौधे खतरे के संकट में पड़ गए, टाइम वेंट बाय, टाइम गुजरता गया, समय निकलता गया, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अमृता भी बहुत बड़ी होती गई, धीरे धीरे बड़ी होती गई, छोटे बच्चे बड़े तो होंगे ना, टाइम निकलेगा, पेड़ पौधे भी बड़े होंगे। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, वो अपने जो बहुत प्यारे से पेड़ के पास गई, शी सॉ, उसने देखा, डेट क्या देखा, देयर वर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज, उसके गांव में कुछ अजनबियों को उन्होंने देखा, दे हैड एक्स विद देम, उनके साथ कुलाड़ी थी हाथ में, दे सेड, उन्होंने कहा कि द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्री फॉर गुड, राजा ने उन्हें उन पेड़ों को काटने के लिए भेजा है, द किंग हैड सेंट, राजा ने भेजा है देम, उन्हें टू कट, पेड़ों को काटने के लिए, फॉर वुड, लकड़ियों के लिए, द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस, और लकड़ियों को क्यों चाहिए राजा को, क्योंकि वो अपने महल को बनाना चाहता है, अपना महल बनाना चाहता है। अमृता वॉज शॉक्ड, आ जाइए पेज नंबर 4 पर, ठीक है, अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता को झटका लगा, शॉक्ड का मतलब आश्चर्य हुआ, ठीक है, शी वेंट टू द ट्री, वो पेड़ों के पास गई, डेट द मैन वर अबाउट टू कट, उन लोगों से कहने लगी जो लोग काटने के लिए आए थे कि प्लीज इन्हें मत काटो, प्लीज इन्हें मत काटो, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, अमृता ने क्या करा, वो पेड़ों से चिपक गई, ठीक है, और पेड़ों से चिपकने के बाद दोनों हाथों से उन पेड़ों को पकड़ लिया और हग दे, यानी कि गले लगा लिया टाइटली, बहुत कस के अमृता उन पेड़ों से चिपक गई, नहीं आप इन पेड़ पौधों को नहीं काट सकते, ठीक है, ये पेड़ पौधे हमारी जान है, हम इनकी पूजा करते हैं, ये हमें छाया देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, ठीक है, इसलिए आपको इन्हें काटने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो अमृता उन पेड़ों से क्या हुई, हग डिट, चिपक गई बहुत कसकर, द मैन शाउटेड, वो आदमी चिल्लाया, एंड थ्रेटेंड हेड, उसने डराया भी, उस जो आदमी काटने पहुंचे थे उन्होंने डराया और वो चिल्लाए भी, बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, अमृता उन पेड़ों के बचाव में ही खड़ी रही, उन अमृता ने उन पेड़ों को नहीं छोड़ा, कहा कि ये मेरे भाई जैसे हैं, आप इन्हें नहीं काट सकते, द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, जो राजा के सेवक थे जो पेड़ों को काटने के लिए गए थे उन्होंने राजा का जो है वो सम्मान किया और राजा के आदेश का पालन किया, ठीक है, हैड फॉलो यानी पीछा किया, फॉलो का यहाँ पर क्या है, मानना, दे हैड टू कट द ट्री, वो पेड़ों को काटने के लिए पहुंचे, ऑन सीइंग दिस, उन्होंने ये देखा कि अमृता डॉटर है हंड्रेड ऑफ विलेजर्स, अमृता और लाखों गांव वाले, ओल्ड और जो बूढ़े बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, जो जवान हैं, वो सब पेड़ों से चिपक गए उन पेड़ों को बचाने के लिए, मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता है हर डॉटर्स डाइड टू सेव ट्री, कई लोग बागों ने अपनी जान दे दी, अमृता ने भी अपनी जान दे दी, मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता, यानी कि अमृता के साथ
कई सारे लोगों ने जो उस गांव के थे और उनकी बच्चों ने उनकी बहू बेटियों ने ठीक है क्या किया, उन पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो देखिए कितना संघर्ष किया, कितना सरवाइव किया है अमृता ने अपनी लाइफ में। तो ये जोधपुर का एक गांव है खेजलरी, वहां की बात है। तो उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वेन द किंग हियर्ड ऑफ दिस, जब राजा ने सुना कि ही कुड नॉट बिलीव डेट, उसे विश्वास नहीं हुआ। पीपुल गेव अप देयर लाइफ फॉर ट्री, लोग बागों ने पेड़ पौधों के लिए अपनी जान दे दी। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, वो गांव आया खुद अपने आप चल करके आया। ही लर्न अबाउट, उसने सीखा कि गांव वालों की इज्जत करना, पेड़ पौधों के लिए सम्मान करना। उसने सीखा कि पेड़ पौधों की हमें इज्जत करनी चाहिए, जानवरों की हमें इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके 4 पेज कंप्लीट होते हैं और बाकी के आपके 2-3 पेज रह चुके हैं इस लेसन के, जो नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और स्टोरी बहुत प्यारी स्टोरी है, सुनहरी सी स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ अमृता। बहुत एनकरेज करने वाली, साहस देने वाली, सहारा देने वाली स्टोरी है। तो स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। वर्ड मीनिंग्स को नीट एंड क्लीन अपने क्लास वर्क में करना है, फिर देन चेक करवा कर अपने पापा मम्मी से, भाई बहन से, फिर आपको होमवर्क में करना है। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन इजिली कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, और स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।